हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर मीन्स सेल में जो है दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो है दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स वो कौन से हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ओके, फर्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड वन क्लोरोप्लास्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा कि देखा जाए कि आप लोग जो है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़े हैं और क्लोरोप्लास्ट भी पढ़े हैं। ओके, तो अगर हम लोग जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है डिफरेंशिएशन देखते हैं तो सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, ठीक है। बट डिसिमिलैरिटीज़ में हो जाएगी कि प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज हम लोग जो है बारी बारी से जो है दोनों सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो आप लोग जो है इसका जो है कॉमन नाम भी जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल, ठीक है। किसी भी सेल का जो है जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है, वो उसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। क्योंकि जो है सेल की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, वो उसके जो है माइटोकॉन्ड्रिया से उसको मिलती है। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए कुछ हिस्टोरिकल थिंग्स पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्कवरी किसने किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलिकर, ठीक है। सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, कोलिकर ने किया था, ठीक है। कब किया था, इन 1857 में किया था, इन विच ईयर 1857। ओके, देन लेटर माइटोकॉन्ड्रिया कॉइन्ड द टर्म बायोब्लास्ट। ओके, सो बाद में जो है, ठीक है, किस ईयर में, 1886 में, ठीक है। सो बाद में जो है डिस्कवरी के बाद में जो है अल्टमैन ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो आज जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका सबसे पहले नाम क्या पड़ा था, बायोब्लास्ट पड़ा था। क्या नाम था उसका, बायोब्लास्ट। किसने रखा था, अल्टमैन ने रखा था, ठीक है। और रिसेंटली जो है रीनेम्ड, मीन्स बाद में जो है बायोब्लास्ट का नाम बदल करके जो है कार्ल बेंडा, मीन्स सी बेंडा ने जो है क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। ओके ओके, इस तरह से जो है कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, ठीक है। बाद में जो है अल्टमैन ने बायोब्लास्ट का नाम लिया, देन उसका जो है नाम फिर से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो जनरली किस तरह से होता है, ओवल शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। इसकी साइज क्या होती है स्टूडेंट, कह रहा है कि ये आपका 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है कहाँ तक हो सकती है, अप टू 7 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। इसकी जो लेंथ कहाँ तक हो सकती है, अप टू 7 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से जो है इसकी जो है कुछ हिस्टोरिकल जो है थिंग्स थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब हम लोग जो है स्टूडेंट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका जो है सेक्शनल व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है इंटरनल पार्ट्स दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हो। या हम लोग जनरली कहते भी हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ जनरली टू पार्ट्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो दो पार्ट के बने होते हैं, एक हो गया क्रिस्टी, दूसरा क्या हो गया मैट्रिक्स। हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, ये ओवल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरह से देखा जाए तो इसकी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाली जो है आउटर हो गई और ये वाली जो मेम्ब्रेन क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, इनर साइड की तरफ फोल्डेड है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इन साइड में क्या है, अंदर की तरफ जो है फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन बनाए हुए है, फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन बनाए हुए है, ठीक है। इस तरह से इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बना लिया। और आप लोग देख रहे हो कि क्रिस्टी के वॉल पे आपको जो है, ये क्रिस्टी की वॉल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, ये बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो स्टूडेंट की जो बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है हम लोगों ने क्रिस्टी पढ़ लिया, ऑक्सीजोम्स पढ़ लिया। देन स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है? मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है सराउंड करके रखी है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर था, जैसे आरएनए है। ठीक है, 70S जो है टाइप का राइबोसोम्स है, मीन्स राइबोसोम्स है, मीन्स क्या है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी डीएनए। ये एक डीएनए है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है। जैसे कि हम लोग सुनते होंगे कि डीएनए जो होता है वो केवल न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट दो एक्सेप्शन होते हैं इसके, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़ रहे हैं, देन एक जो है क्लोरोप्लास्ट जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दिया जाए तो जो डीएनए होता है वो केवल न्यूक्लियस में होता है, बट दो एक्सेप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, बट ये डीएनए क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली डीएनए जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, बट जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो डीएनए होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सो इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ये एम्प्टी डीएनए कहलाता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाता है। और ये क्या होता है? शेप में सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, बट ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, उस तरह नहीं, जो नॉर्मल डीएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक होते हैं आपके, जो है डबल स्टैंडर्ड होते हैं इस तरह से स्पाइरल, तो उस तरह से नहीं, ये क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं बट डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, डीएनए इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, देन ये क्या है आपका? सेल्फ रिप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, डीएनए का होना जो है इस बात का जो है पुष्टि कर देता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, ठीक है, वो एक और जो है लिविंग स्ट्रक्चर है ना, सेल जो लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लिविंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया को अ सेल विद इन अ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर सेल, क्यों? क्योंकि इसके जो है डीएनए के कारण। ठीक है, तो इस तरह से जो आप सेमी ऑटोनोमस भी बोल सकते हो, देन ये सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है डीएनए की मदद से, देन ये क्या है आपका? सेमी ऑटोनोमस है। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है क्लोरोप्लास्ट पे भी लागू होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके पास भी जो है डीएनए है, यही डीएनए है, इसी तरह का डीएनए है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गया आपका जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर जो है पूरी तरफ जो है, क्रिस्टी के ऊपर जो है बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आरएनए दिखाई दे रहे हैं, 70S जो है राइबोसोम्स है, याद रखिएगा 70S, 80S कहीं याद ना हो जाए। ठीक है, 70S। और इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर को देख लिया। स्टूडेंट अब हम लोग जो है देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक सेल में कितने होते हैं। जनरली जो है ये चीजें जो है किस पे डिपेंड है कि सेल्स जो है वो कहाँ की हैं। ठीक है, जहाँ ज्यादा वर्क होता है, सेल्स जहाँ ज्यादा एक्टिविटीज कर रही होती हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली वहाँ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो बट हम लोग एक रफ आइडिया लेते हैं, जैसे कि देखा जाए कि ह्यूमन के लीवर सेल्स में, ठीक है, कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक सेल में जो है वो आपका 1000 to 2000 जो है, एक सेल के अंदर जो है 1000 to 2000 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। देन अमीबा है, ठीक है, और आपका जो है चौस जो है एक सेल होते हैं। ठीक है, तो देन इसके अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? नियर अबाउट जो है 50,000 होते हैं। ओके, इसी तरह से देखा जाए तो एक सी अर्चिन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपका 1,40,000 तक होता है, नियर अबाउट। ठीक है, उसी तरह जो है ऊसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, ऊसाइट्स, देन इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया कितना हो सकता है? 3 लाख, कितना हो सकता है? 3 लाख होता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है ये आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है उसके नाम से ही पता चल जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। सो मीन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन का रिएक्शन आप ऑब्वियसली जानते हो, देन उसमें एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का रेस्पायरेशन होता है, जनरली जो है किस तरह का एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इधर जो है एनर्जी बनाई जाती है और वो एनर्जी जो है सेल को दे दी जाती है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो एनर्जी बनाई जाती है वो एनर्जी जो है सेल को प्रोवाइड करा दी जाती है, सेल अपने जो है अकॉर्डिंग जो है उसको यूटिलाइज करता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्कवरी किसने किया था, स्कैम्पर ने किया था, इन विच ईयर, इन 1883 में किया था। स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, रिबन लाइक, स्पाइरल लाइक, रेटिकुलेट, कप लाइक, स्टेलेट, सीट लाइक, डिस्क्वायर्ड और ओवल शेप का, ठीक है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जो है किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ओवल शेप का दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए हम लोग तो स्पैरोगायरा में जो है स्पाइरल लाइक क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और इसकी जो साइज जो होती है देखा जाए तो 4 micron to 8 micron इन डायमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। जैसे ही हम लोग आते हैं कि स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो रफली आइडिया हम लोग को मिल जाता है कि इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो पार्ट होते हैं, क्रिस्टी मैट्रिक्स, उसी तरह जो है इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, ग्रेना स्ट्रोमा। क्या होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से जो है इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है और इसके इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से स्ट्रोमा में स्टूडेंट जो है, इसके स्ट्रोमा में जो है ये आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं क्या, थैलेक्वायर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेक्वायर्ड्स बोलते हैं। और जब ढेर सारे थैलेक्वायर्ड्स एक साथ हो जाते हैं तो ये पूरा ग्रुप, ठीक है, ये पूरा ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रैनम कहलाता है। क्या, ग्रैनम बोला जाता है और इसका जो है प्लूरल नंबर हो जाता है ग्रैना, ठीक है। इस तरह से दो पार्ट हो गए, इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूड है, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, मीन्स स्ट्रोमा। और इस तरह से जो है इसके अंदर क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर का जो ग्रुप है वो है ग्रैनम या ग्रैना होता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्रेना जो है आपकी जो है आपस में जो है इस लैमेली के थ्रू जो है आपस में जुड़े होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोगों का जो है ये क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। स्टूडेंट, अगर हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये ग्रेना होती है उसकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 40 to 60 ग्रेना, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट में जो है 40 to 60 आपके जो है ग्रेना पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग जो है इसका फंक्शन देख लेते हैं। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है मेन क्या होता है, फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पायरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी बना लेता है। बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है उसका क्या फंक्शन है, आप जो है क्लास 7th जान रहे होगे, मींस आप जो है एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, ये जो ग्रैनम है आपका जो है, ठीक है, इसके अंदर ये जो आपका जो है जो थैलेक्वायर्ड है, इस थैलेक्वायर्ड के अंदर स्टूडेंट जो है क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं एक्चुअली में, यही लाइट ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बना देते हैं। इस तरह से जो है आपके जो है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। स्टूडेंट जो है आप लोग जो है थोड़ा सा जो है हाई स्टैंडर्ड पे आ गए हो, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है और ब्रीफ में फंक्शन को देख लेना चाहिए। मीन्स फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है फूड फॉर्मेशन का, देन उसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन। ओके, कौन सा, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। मीन्स जो फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो दो स्टेप्स में पूरा होता है, एक जो है लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन में, ठीक है। स्टूडेंट, इस तरह से जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो किधर होता है, वो ग्रेनम में होता है, ठीक है, वो इधर होता है लाइट वाला रिएक्शन, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। किधर होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, इसमें होता है, ठीक है। स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों ने जो है इसका फंक्शन देख लिया। ओके स्टूडेंट।